लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दूसरे से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। नहीं पिताजी, मैं गंगवा से दूर नहीं रह सकती। तुम दोनों के मिलन में सर्वनाश है। हमारे मिलन में नहीं, हमारी जुदाई में सर्वनाश है शास्त्री जी। पागल मत बनो गंगवा, मैं स्वयं चाहता हूं कि तुम दोनों का विवाह हो, लेकिन विधि का विधान हमारे वश में नहीं है। भाग्य तो लिखा लिखाया आता है, चांद तारे ग्रह नक्षत्रों पर हमारा कोई अधिकार नहीं। और फिर तुम्हारी कुंडली में तो साफ लिखा है कि तुम दोनों का मिलन इस जन्म में असंभव है। अगर हमारा मिलन असंभव है तो हमारी जुदाई भी असंभव है शास्त्री जी। हाँ पिताजी, हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। मेरी बात को समझने की कोशिश करो बेटा। एक तो तुम्हारी कुंडली में विवाद है और दूसरे आने वाली पूर्णमासी की रात तुम दोनों के मिलन के लिए बहुत भारी है। क्या भारी है पिताजी?
क्या होगा अगर हम मिले भी तो? लड़ाई आ जाएगी। सूरज अपनी गर्मी छोड़ देगा और चंद्रमा अपनी ठंडक। आकाश टूट पड़ेगा, धरती डोल जाएगी। जो जो विधाता को मंजूर नहीं है। हमारा प्यार सच्चा है, अटूट है, इसमें असीम शक्ति है और दुनिया की कोई शक्ति इसे झुठला नहीं सकती। हम एक दूसरे के होके ही रहेंगे पिताजी। मैं मानता हूं कि प्यार में शक्ति है। यदि प्यार पर विश्वास हो तो मनुष्य ईश्वर को भी पा सकता है। हमें अपने प्यार पर पूरा विश्वास है शास्त्री जी। ठीक है बेटे, मुझे कुछ समय दो, अब तुम जाओ ताकि मैं कोई दूसरा मार्ग निकाल सकूं। आप अपना मार्ग अवश्य ढूंढिए शास्त्री जी, मगर हम दोनों ने अपना मार्ग ढूंढ लिया है। प्रलय आ जाए, आसमान टूट जाए या धरती डोल जाए, सूरज अपनी गर्मी त्याग दे या चंद्रमा अपनी ठंडक, मगर गंगुआ को गौरी से कोई जुदा नहीं कर सकता। कोई नहीं। प्रणाम। बेटे, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये कुंडलियां कभी झूठ नहीं बोलती बेटे, इसलिए मैंने निश्चय किया है कि तुम इस जन्म में गंगुआ से कभी नहीं मिलोगी। मैं तुम्हें तुम्हारे मामा के छोड़ दूंगा। नहीं पिताजी। ये मेरी आज्ञा है और तुम्हें इसका पालन करना ही होगा। नहीं पिताजी। नरेंद्र, कुछ दिनों के लिए मैं गौरी को तुम्हारे घर छोड़ने आया। कुछ दिनों के लिए क्यों? अब मैं दिवाली से पहले थोड़े ही भेजूंगी बिटिया को। आओ बेटी। जाओ बेटी, जाओ। आओ 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 ना, आओ। जाओ बेटी। जाओ। चलो। नरेंद्र। हाँ जी। हर 25 वर्ष के बाद सारे विपक्षी ग्रह चंद्रमा को अपने घेरे में ले लेते हैं। जी। और आज वही पूनम की रात है जो गौरी के लिए अशुभ है। अच्छा। कृपा करके इसे घर से बाहर मत जाने देना। गंगापुर में तो मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हारे पास। नहीं जीजाजी, अब किसी बात की चिंता मत कीजिए, मैं गौरी को घर से बिल्कुल बाहर जाने नहीं दूंगा। बस आज ये पूनम की रात किसी तरह बीत जाए, आगे कैसी प्रभु की इच्छा। गंगुआ, तुम यहां इतनी दूर? हाँ गौरी, चल मेरे साथ चल, मैं तुझे यहां से ले जाने के लिए आया हूं। कहां? जहां हमारे प्यार के बीच कोई ना सके। गौरी, तुझे मुझ पर विश्वास है ना? तुझे हमारे प्यार पर विश्वास है ना? हाँ गौरी, हमारा प्यार सच्चा है, इसलिए भगवान भी हमारा साथ देंगे। ये ग्रह, नक्षत्र, जन्म कुंडलियां, ये सब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ये भी तो हो सकता है कि हमारी जन्म कुंडलियां गलत हो। चल गौरी, चल मेरे साथ चल। मगर कैसे? दरवाजा तो बाहर से बंद किया हुआ है। और भागा नहीं जाएगा। यहां थोड़ी देर आराम कर लो। यहां से 2 कोस दूर पर एक नदी है, उसे पार कर लेंगे तो कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा। बैठो। Thank you.
बंद करो, बंद करो ये बीन। ये बीन तब तक बचती रहेगी, तब तक तुम्हें तड़पाती रहेगी, जब तक तुम स्वयं अपनी मणि निकालकर मेरे चरणों में समर्पित नहीं कर देते। नहीं, ये मणि मेरा जीवन है। तुम्हारे जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान मेरा लक्ष्य है नागराज, मेरा लक्ष्य। आज की रात वर्ष की अंतिम पूर्णमासी की रात है, चंद्रदेव आकाश में प्रकट हो चुके हैं। मैं तुम्हारी मणि निकालकर इस स्थान पर रख दूंगा और जब चंद्रदेव का प्रकाश इस स्थान पर पड़ी मणि से छनकर इस कुंड में पड़े जल तक पहुंचेगा, तुम जानते हो ये जल जल नहीं रहेगा, ये जल अमृत बन जाएगा और मैं इस अमृत को पीकर अमर हो जाऊंगा, मृत्युंजय हो जाऊंगा। विलंब मत कर इच्छाधारी नाग, मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तुम्हारी सारी इच्छा शक्ति जो तुम्हारी मणि में है तुमसे लेनी होगी। ला, अपनी मणि निकाल। शक्ति पर घमंड करके शिव शक्ति से टकराने का प्रयत्न मत कर दुष्ट। जीवन देना और लेना सिर्फ मेरे शिव जी के हाथ में, जिसके एक इशारे पर तुम और हम तो क्या ये सारी सृष्टि नष्ट हो सकती है। तुमने होने वाले भगवान को दुष्ट कहकर अपने पापों का घड़ा एक साथ भर लिया है। अब इस महाबली से तुझे तेरा शिव भी नहीं बचा सकता। मेरे गंगुआ को छोड़ दीजिए, इसे भूल हो गई, इसे क्षमा कर दीजिए। असंभव, इसे दंड अवश्य मिलेगा, मृत्यु दंड। मैं नहीं बाबा, मेरे प्यार पर दया कीजिए, मैं गंगुआ के बिना एक पल भी नहीं जी पाऊंगी। आपको मेरे प्यार की दुआएं, मेरे प्यार की दुआएं। प्यार, बहुत प्यार करते हो तुम दोनों, जानती हो लड़की, प्यार की तड़प मृत्यु से कहीं अधिक पीड़ाजनक होती है। तेरा ये प्यार मेरे हाथों से निकल गया है। तेरा ये प्यार, तेरा ये
विराट मेरी इच्छा पूर्ति के बीच दीवार बना है। तेरे इस प्यार ने मेरी बरसों की तपस्या को विफल कर दिया है। जिस तरह मुझे अगले 25 वर्ष इसी पूर्णमासी की रात की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, उसी तरह इसे भी अगले 25 वर्ष तुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तुम दोनों को 25 वर्षों की जुदाई का मैं दंड देता हूं। अरे तू क्या हमें दंड देगा? 25 वर्ष की जुदाई तो बहुत दूर की बात है। हम एक पल भी एक दूसरे के बगैर नहीं जी सकते। हम जिएंगे तो एक साथ, मरेंगे तो एक साथ। नादान बालक, तूने इस महाबली की शक्ति को ललकारने का दुस्साहस किया है। आज मैं तेरे ही सामने तेरे इस प्यार की आत्मा को बंदी बनाकर इसे पत्थर की मूर्ति बना दूंगा। नागराज, आज की रात का वो निश्चित समय मेरे हाथों से निकल गया, परंतु आज से 25 वर्ष पश्चात यही समय फिर आएगा। नक्षत्र और चंद्रमा का यही मिलन फिर होगा। मैं तुझसे तब संसार के किसी भी कोने में तू छुप, मैं तुझे अवश्य ढूंढूंगा। बेटी, आज तुम्हारे 25 वर्ष के प्रतीक्षा के आखिरी वर्ष की शुरुआत है। आज मैं तुम्हें तुम्हारे प्यार के पास ले जा रहा हूं। दर्ज, क्या आप मुझे
गंगुआ के पास ले जाएंगे बाबा। हाँ गौरी, परंतु तुम्हारा गंगुआ अब गंगुआ नहीं कहलाता, इस जन्म में उसका नाम है कृष्णा। तो क्या मेरा गंगुआ बदल गया है बाबा? नहीं बेटी, नहीं, वो नहीं बदला और ना ही उसकी आत्मा, परंतु उसे अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ भी याद नहीं। उसके मन में उसकी पिछली जिंदगी का पन्ना बिल्कुल कोरा है। हां, उस कोरे पन्ने पर एक धुंधली सी याद अवश्य है तुम्हारी। उसके हृदय में केवल तुम हो गौरी, तुम ही उसका प्यार हो। सच बाबा? तो क्या मैं उससे बात कर सकूंगी, मिल सकूंगी? हां, बात कर सकोगी, मिल सकोगी, परंतु केवल अकेले में। केवल कृष्णा के सामने तुम अपना असली रूप धारण कर सकोगी, और यदि कोई और आ जाए तो उसी क्षण तुम्हें यह मूर्ति रूप धारण करना होगा। बेटी, अपने प्यार को पाने के लिए इस तड़प को तो सहना ही होगा। हाँ बाबा, मैं कोई भी पीड़ा सहने के लिए तैयार हूं। गौरी, एक और बात का ध्यान रखना होगा तुम्हें। वो क्या बाबा? किसी भी स्थिति में उसे तुम उसके पिछले जन्म के बारे में कुछ ना बताना, और यदि तुमने ऐसी भूल की तो हो सकता है तुम दोनों फिर कभी ना मिल पाओ। नहीं बाबा, मैं ऐसी भूल कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं। मैं आपके हर नियम का पालन करूंगी बाबा। ठीक है बेटी, तो चलो मैं तुम्हें ले चलता हूं उसके पास, जो 25 वर्षों से तुम्हारी धुंधली याद को अपने हृदय में लिए तुम्हें खोज रहा है। अरे तू गरम करके लाई हूँ। इस बार रोटियां बनाने बैठ गई तो गरम चाय नहीं मिलेगी। जय श्री कृष्ण। बस हो गया तेरा ड्रामा शुरू? चुप चुप चुप, हर वक्त ड्रामा करता रहता है, काम नहीं करता। मैं कहती हूँ कब तक निकम्मा बैठा रहेगा? मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। चल उठ, पढ़ाई क्यों की? पिछले जन्म में कोई दुश्मनी थी मुझसे? हाँ, 20,000 रुपए का जो कर्जा मुझ पर चढ़ा दिया तूने, छोड़ दे। पिंकी के डैडी बहुत अच्छे आदमी हैं, इसलिए 5 बरस में एक बार भी मुझसे नहीं पूछा। गंगा में बहता हुआ मिला था, गंगा मैया का वरदान मानकर तुझे घर ले आई।
सोचा मेरा दुख दर्द दूर करेगा, लेकिन उल्टा तू बढ़ा ही रहा है। सारा दिन खोया खोया सा रहता है। काम के बारे में पूछो तो कहता है कर लूंगा माँ, लेकिन कब करेगा कैसा करेगा कुछ मालूम तो हो जाए। मेरे दिमाग में एक धुंधली सी तस्वीर है माँ, जिसे मैं बनाना चाहता हूँ। चाची नमस्ते। चाची नमस्ते। चाची ये रहे आपके पिछले हफ्ते की मूर्तियों के पैसे, और दो दर्जन मूर्तियों का ऑर्डर भी दिया है। सच? चाची कृष्णा कहाँ है? कहाँ जाएगा वो, 24 घंटे में 12 घंटे खोया खोया सा रहता है, 12 घंटे सोया सोया सा रहता है। पिंकी तुम बहुत बड़ी कंपनी में काम करती हो ना, तो एक छोटी सी नौकरी उसे क्यों नहीं दिला देती? बड़ी सी कंपनी में छोटी सी नौकरी इसे खुद सिफारिश से मिली है, ये मुझे नौकरी क्या दिलाएगी? हाय ए, मेरे पास बीए का फर्स्ट क्लास का सर्टिफिकेट है, और बाय द वे मैं इंटरव्यू में भी फर्स्ट आई। हाँ, अकेले इम्तिहान दिया होगा ना, वैसे भी आजकल लड़कियों को नौकरी बहुत जल्दी मिल जाती है। पिंकी तू सर्टिफिकेट्स के बारे में कह रही थी ना, वो तो इसके पास बहुत सारे हैं, अपने बॉस को क्यों नहीं दिखाती, शायद काम बन जाए। चाची अगर इसकी सिफारिश मैंने अपने बॉस से की ना, तो वो मुझे ही नौकरी से निकाल देगा। हाँ, हो सकता। चाची एक मैनिक्विन डीलर है, उसको एक कलाकार की जरूरत। मैनिक्विन मतलब? मैनिक्विन माँ, मैनिक्विन पुतला, वो कपड़ों की दुकानों के बाहर नहीं होते, वो औरतों के पुतले जिन पर साड़ियों की नुमाइश की जाती है। वो पुतले होते हैं? मैं समझती थी वो आदमी और औरतें होती है सचमुच। तुम तो इसे भी भोली और शरीफ समझती हो, तुम्हारे समझने से क्या होता है। अब भाई देव पिंकी तू क्या बता रही थी, कौन है वो बेवकूफ मैनिक्विन डीलर जो लालटेन लेकर कलाकार की तलाश में भटक रहा है, उसका आता बता तो बता। ये क्या? लिख पता। हाँ अच्छा, ओहो हो, तो बेबी स्कूल ऑफ आर्ट्स की आपकी डिग्री है? यस सर, बेबी नहीं सर, बीबी स्कूल ऑफ आर्ट्स। बीबी? यस, बीबी स्कूल ऑफ आर्ट्स। कैसे ली है डिग्री? सर परीक्षा दी थी मैंने, इम्तिहान दिया था। इम्तिहान तो आर्टिस्ट रोज देता है, मैं डिग्री विग्री में नहीं मानता हूँ। सर आप मेरी काबिलियत पर शक कर रहे हैं, अगर आप मुझसे कहें तो मैं आपकी हूबहू पेंटिंग कर सकता हूँ। मिस्टर ये पेंटिंग की दुकान नहीं है, मैनिक्विंस बनते हैं, मैनिक्विंस, मैनिक्विंस समझते हो, पुतले बनते हैं या पुतले। सर मेरे बनाए हुए एक औरत के पुतले को असली औरत समझकर एक बार कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया था सर। अच्छा, फिर उसका रेप भी कर लिया होगा? पता नहीं सर बाद में उसका क्या असर हुआ, मगर मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ सर, मेरे यहाँ काम करने के बाद आपके यहाँ मैनिक्विंस के ऑर्डर की लाइन लग जाएगी सर, और अगर ऐसा नहीं हुआ सर तो आप अपनी दुकान का नाम बदल लीजिएगा सर। क्या मेरा मतलब, आप मेरा नाम बदल लीजिएगा। देखो भैया, पिछले 30 सालों से लोग यही कहते आए हैं, और पिछले 30 सालों से हम यही सहते आए हैं, पिछले 30 सालों से यही बिजनेस रहा है, और पिछले 30 सालों से हम भी यहीं पर रहे हैं। अगर हमारे साथ काम करना है तो हमारी शर्तें मंजूर करनी पड़ेगी। पहली शर्त यह है कि यहाँ पहले महीने पगार नहीं मिलेगी, दूसरे महीने सोचूंगा, और तीसरे महीने आधी पगार मिलेगी। खाना अपने घर से लाना होगा और हमें भी खिलाना पड़ेगा, और अगर बाथरूम या सुसु के लिए जाना है तो सामने म्यूनिसिपालिटी की दीवार है, और कभी कभी बत्ती चली जाती है, इसलिए मोमबत्ती और माचिस अपने घर से लाना होगा। अगर मंजूर है तो हाँ बोलो, वरना यहाँ से आगे खोलो। आप मुझे काम बोलिए सर। बैठो मत, कुर्सी गंदी हो जाएगी। एक हिंदुस्तानी आदमी का मैनिक्विन बनाना है। Thank you.
अबे मनहूस, अबे खबूस, मुझे पता था कि तू खचर करेगा, ना ही तू मोमबत्ती लाएगा ना ही तू लालटन लाएगा, लेकिन लाया हूँ मैं तेरे लिए। मनहूस की शक्ल देखो तो दिन भी मनहूस और रात भी मनहूस। लालटन लाया हूँ मगर इसके तेल के पैसे तेरी पगार से काट लूंगा। हाँ जी या! मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अबे कहाँ है तू? सो रहा है, सो रहा है। उठ 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 मनहूस उठ, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया। मैंने तुझे एक आदमी का पुतला बनाने को कहा था और तूने एक औरत का पुतला बना। सेठ जी आप मेरी बात तो सुनिए, मैं मैं जो परसों से बनाने की कोशिश कर रहा था वही तो है। ये तो वही चेहरा। पागल हो गया तू और मुझे भी पागल कर देगा। मेरा सपना पूरा हो गया सेठ जी, मेरा सपना साकार हो गया। अबे मैं मेरी बर्बादी पे अपने सपने साकार कर रहा है? 1000 रुपए का नुकसान कर दिया, चल निकल यहां से निकल। अगर आपको ये मूर्ति नहीं चाहिए ना तो ये मूर्ति मैं ले जाऊंगा। मुफ्त में तो अपनी बीमारी भी मैं किसी को नहीं देता हूं। अगर ये तुझे पसंद है तो ले जा ये सपने को और दे जा 1000 रुपया अपने को। 1000 रुपये? 1000 रुपये? 1000 रुपये तो निकल निकल जा यहां से। पहले नाश्ता कर ले रित, देखते हो कितने पैसे हैं मेरे पास। माँ मुझे तो बस 1000 रुपए चाहिए। माँ मेरी बात, माँ तो उस मूर्ति को देखेगी ना तो तुझे ऐसा लगेगा अब बोलेगी। ना बोलता है रितु, रात से उस मूर्ति को गुनगाया जा रहा है। भेजा था कमाई करने, तू तो मेरी कमाई ले जा रहा है। माँ मुझे अच्छा थोड़ी लगता है तुझसे पैसा लेने के लिए, मगर वो मूर्ति नहीं खजाना है, खजाना। तेरे खजाने के चक्कर में मैं अपनी पूंजी गंवा रही हूँ। 640 रुपए ले, कितने है मेरे पास। मगर 640 रुपए से क्या होता है? नहीं होगा तो दे दे। नहीं नहीं, 640 रुपए बहुत होते हैं। इतना हुआ, मैं आगे भी जाऊंगा। जय श्री कृष्ण। हाय बाय किंगे, क्या लग रही हो तुम? हाँ कैसे? थैंक यू। खैर पिंकी, बहुत दिनों से मैं तुम्हें कुछ प्रेजेंट देना चाहता हूँ। पूछा नहीं क्या? और पूछा नहीं क्यों? और पूछा नहीं कहा? मगर तुम्हें प्रेजेंट देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तुम जानती हो क्यों। खैर कुछ दिनों के लिए अगर तुम मुझे कुछ उधार दे दो तो मैं कुछ दिनों के बाद तुम्हें लौटा दूंगा। पूछा नहीं कहा? कितने पैसे चाहिए? हाँ ये तुम पूछ सकती हो। कितने? 360 रुपए। मगर मेरे पास तो सिर्फ ये 200 रुपए है। 200 रुपए तो बहुत कम होते हैं यार। तो फिर कल ले लेना। नहीं नहीं कहो, 200 रुपए कम थोड़ी होते, 200 रुपए बहुत होते। या इतना हुआ तो आगे भी हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। उस दिन मैंने आपका 1000 रुपए का नुकसान किया था ना, ये रहे 1000 रुपए। अब आप वो मूर्ति मुझे दे दीजिए। एक तुम सिर फिरे थे जिसने वो मूर्ति बनाई और एक वो सिर फिरा था जो मूर्ति ले गया। ले गया? क्या मतलब? अरे 15,000 में मैंने वो मूर्ति बेच दी। क्यों बेच दी आपने? किससे पूछ कर बेची? किसे बेची? वो मूर्ति मेरी थी, मैंने बनाया था। किसे बेची आपने? अरे भैया वो 15,000 दे रहा था, मैंने 15,000 ले लिया। अब नाम पता मैं क्यों पूछने लगा? क्यों? मैंने कुछ गलत किया? आपने अच्छा नहीं किया। अरे कहाँ जा रहे हो भैया? अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अब यहां से तुम मेरे साथ सीधे चलोगे फैक्ट्री।
तीस साल पुराने अपने असूलों को तोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। तुम सिर्फ मूर्ति बनाना और मैं मूर्ति बेचूंगा। खाना भी मैं लाऊंगा और तुम मेरे साथ खाना खाओगे, और मैं मोमबत्ती लेकर खड़ा रहूंगा और तुम मूर्ति बनाते जाना। सफर था आज साया हो गया, अपना कोई बनकर फिर पराया हो गया, कल जो हम सफर था आज साया हो गया। है कि यहां हूं, यहां हूं, यहां हूं। जानती हो तुम, किसी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से इतना प्यार नहीं किया होगा जितना प्यार मैं तुमसे करता हूं। पागलों की तरह ढूंढ रहा था मैं तुम्हें, पागलों की तरह। क्या मतलब?
पसंद है? ये बात चाहिए चाहिए तो मगर मगर ये कैसे हो सकता है? ले लो। कैसे? चोरी करके। चोरी करके? चोरी करके, इधर की सिक्योरिटी के होते हुए चोरी करके, होशियार सिंह के होते हुए चोरी करके। देखिए आपको गलत फहमी हुई, आपको कोई चोर और नहीं हूं मैं तो सिर्फ देख रहा था। हर जुर्म देखने से शुरू होता है, नजर उसे देखती है, दिल उसे चाहता है, दिल और दिमाग उसे हासिल करना चाहता है। दिमाग चोरी करके, डाका डाल के, खून करके। ए, तू अभी तक देख रहा है? चल जा यहां से, जा यहां से, गेट आउट। देखिए मैं सिर्फ देख ही तो रहा हूं, सिर्फ देख ही तो रहा हूं मैं। इन्हें देख के मेरा दिल बहल जाता है। आगे ना नजर से दिल पर, अब तुम्हारा दिमाग उसे हासिल करना चाहेगा, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारा दिमाग इस्तेमाल नहीं करने दूंगा, क्योंकि आज तक मैंने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया है। अच्छा, मैं समझ गया, मैं आपको समझ गया। मेरा मतलब है कि मैं आपकी बातों को समझ गया। एक काम करते हैं, मैं आपके साथ इधर खड़ा रहता हूँ और थोड़ी देर तक देखता हूँ इन्हें। बिल्कुल नहीं, चोर और सिक्योरिटी एक जगह पर एक वक्त एक साथ नहीं खड़े हो सकते। इसको दूर रखिए, इस कुत्ते को दूर रखिए। ये कुत्ता नहीं है, ही इज सैम। सैम? सैम अच्छा चलता हूं मैं, कल फिर लौट कर आऊंगा। हाँ? आपसे नहीं, उनसे कह रहा था। पुतला है, लेट्स गो। उठ जा माँ, उठ जा। जल्दी उठ गया तू? हाँ, तूने चाय भी बना दी, तैयार भी हो गया। जय श्री कृष्ण। सुबह कहाँ चला? ये सब मत पूछ माँ, बस मुझे आशीर्वाद दे कि मेरी मुराद पूरी हो। चुप चुप छो। Welcome, 50 years celebration.
50 साल पूरे करने के बाद आज यह सुनहरा दिन आया है। बेटा तुम्हें लगा तो नहीं ना? जी नहीं बच गया। अरे तुमने अपनी जान खतरे में डाल के मेरी जान बचाई। बोलो भाई क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम कृष्णा है। कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू। तुमने मेरी जान बचाई, तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। बोलो क्या चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें? बोलो 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 जी। हाँ जो मैं मांगूंगा आप मुझे देंगे? हाँ दूंगा। बोलो। हाँ आप मुझे अपने डिपार्टमेंटल स्टोर में रहने की छोटी सी जगह देंगे? अरे बेटा ये तो दुकान है, मकान नहीं है। नहीं मेरे कहने का ये मतलब था कि आप मुझे कोई भी छोटी सी नौकरी या काम दे देते तो इसी बहाने यहाँ आ जा सकता। क्या हुआ? भाई साहब मेरी दुकान में तो कोई काम नहीं है, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी काम ढूंढ के दूंगा। चलो कम ऑन, वेलकम वेलकम। अरे 50 साल पहले जब मेरे ग्रैंडफादर ने ये स्टोर शुरू किया था ना, तब ये एक छोटी सी दुकान थी, फिर मेरे डैडी ने इसे इतना बड़ा स्टोर बनाया। क्या रौनक थी यहाँ पर। बचपन में जब मैं डैडी के साथ यहाँ पर आता था तो भीड़ से बचकर निकलना पड़ता था, और आज आज मैं और मेरे गिने चुने सेल्समैन की ही भीड़ है यहाँ। सेठ जी हाँ, मुझे नौकरी तो मिलेगी ना? क्यों नहीं, ये सब भी ऐसे ही बैठकर खा रहे हैं, तो फिर तुमने तो मेरी जान बचाई बेटा। मगर सेठ जी आपका स्टोर चलता क्यों नहीं है? अच्छा खासा स्टोर तो है। क्यों नहीं चलता है? मुझे तो लगता है मेरे मामा ने नक्की कोई जादू टोना किया है इस पर। आपके मामा ने? मेरे मामा ने। पहले तो इस स्टोर में काम किया करता था पिताजी के साथ में, फिर 2 साल पहले क्या चक्कर चला लिया उसने कि उसने अपना अलग स्टोर बना लिया, और आज आज इस स्टोर को नीलाम करवाने के सपने देख रहा है मेरा मामा। हेलो मैनेजर। हेलो सेठ जी। सुना है कि वो खेल पोटिया अपने डिपार्टमेंटल स्टोर की 50वीं सालगिरह मना रहा है? ये सालगिरह तो 50वां है, लेकिन स्टोर में ग्राहक 5 भी नहीं है। अब 5 दिन के अंदर अंदर केवल चंद को बैंक से ये नोटिस भिजवा दो कि वो लोन वापस कर दे। 5 दिन बोल रहे हैं आप सर? हम 5 घंटे के अंदर उसके दुकान का सारा चीज लीलाम करके देंगे, और लीलाम में आखिरी बोली आपका होगा। अबे हंस मत। जी नहीं हंसता। ये मत भूल के उस स्टोर में तू मेरा आदमी है। यस सर, हम आपका आदमी है, आपका नमक खाता है। नमक तो तू केवल चंद का भी खाता है। नो 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 नो, नमक नमक में फर्क होता है सर। उसका नमक फीका है इसलिए हम आपका काम करता है। डोंट वरी सर, 1 हफ्ते का अंदर हम केवल चंद का छुट्टी हाँ हाँ हफ्ते में संडे को होता है। We close on Sundays, right? Thank बैड़ो, you. बैड़ो, Thank बैड़ो. you. नमस्ते जी, नमस्ते. नमस्ते गेलपोटिया, इसको देखा? Oh yes, देखा. अबे अंधे गेलपोटिया, चश्मा उतार कर इसको बराबर गौर से देख. Yes, देखा. ये कौन है? कौन है? ये लॉर्ड कृष्णा है. Oh. The savior of Pandavas and me. Mm-hmm. आज इसने मेरी जान बचाई. Oh, nice, nice. तो गेलपोटिया इसके लिए तू कुछ कर. Oh yes, yes, I must, yes. ये लो 20 रुपए. Nice. सर आपकी जान की कीमत सिर्फ 20 रुपए है सर? ना लायक, ना मुराद, ना मर्द, नॉनसेंस, नेस्टी, नोटी. सर. नो. गेलपोटिया तू मेरी जान की कीमत सिर्फ 20 रुपए लगाता है? सॉरी सर, सॉरी. हम 20 रुपए कीमत और बढ़ाता है. रख लो. बस. सर मान लीजिए कि आपकी जान की कीमत 40 रुपया है, मगर आपके वादे का क्या? आपने मुझे नौकरी देने का वादा किया है सर, और हिंदुस्तान में वादे की कदर जान से बढ़कर होती है सर, और अगर आपने अपना वादा नहीं निभाया सर तो ये बड़ी शर्म की बात होगी सर. बेशर्म, बेहया, बदतमीज, बदबू, बेकदर, बेवकूफ बंदर. अरे साला गेलपोटिया, मैंने इसको नौकरी देने का वादा किया है. नौकरी सर? स्टोर में करने के लिए कुछ काम नहीं, इसको मैं नौकरी किधर से निकाल के देंगे? गेलपोटिया जी, तेरे माँ बाप ने तेरे जैसी नालायक औलाद कैसे निकाली? वैसे ही तू इसके लिए नौकरी निकाल. लेकिन देख, एक काम कर, तू उधर से निकल, इसको उधर आने दे. नहीं 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 सर, नहीं सर, डोंट वरी डोंट वरी, हम इसके लिए किधर न किधर से नौकरी निकाल के देंगे. अब कैसे आया घूम फिर के लाइन पे गेलपोटिया?
देख तू ये डैमेजर को 40 रुपया देना ना यार। बैठ बैठ बैठ। और डैमेजर मेहरबानी करके तू इसके पास से 40 रुपया लेना नहीं। नहीं ये जान देने वाला है और तू जान लेने वाला है। अबे अंधे ऊंट के माफी खड़ा मत रहे, चश्मा लगा और खाता देख। यस सर फिक्र नाथ। मैं कर दूं? क्या करेगा तू? नहीं मैं पोछा मार दूं। जाना क्यों मेरे पेट पे लात मारता? जाना तू पोछा मारने आ गया। दिल तुम्हें देखने के लिए तरस रहा था, देखा? आखिर मैंने तुम्हें पा ही लिया। अब मैं तुम्हें करीब से देख सकता हूँ, तुमसे बात कर सकता हूँ, तुम्हें प्यार कर सकता हूँ। प्यार करता हूँ मैं तुमसे, प्यार करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। तुम गधे की तुम, कल बाहर थे और आज अंदर, और आते चोरी। चोरी? शट अप शट अप शट अप। ये कपड़े क्या अपने दहेज के लिए ले जा रहे थे? सर मैं ये कपड़े, अरे तुमने ऐसा सोचा ही कैसे कि होशियार सिंह के होते हुए तुम ये कपड़े यहाँ से बाहर ले जाओगे? अरे होशियार सिंह तो दूसरों के कपड़े निकाल लेता है। निकालो। क्या? ये कपड़े निकालो नहीं तो फाड़ डालूंगा। हम फाड़ने में बहुत तेज है, कुछ नहीं छोड़ेगा। तमीज से भेजा समझ लाता है। इसका भी जवाब है मेरे पास। रैम्बो है? रैम्बो पूंछ ऊपर कान नीचे कहते पैरा। अबे क्या कर रहा है यार? कर नहीं रहा हूँ, अभी करूंगा। अबे तूने जिंदगी में कुछ नहीं किया, आज क्या खा करेगा? अब तुम्हें कैसे मालूम कि मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया है? कुछ किया होता तो कुछ हो नहीं जाता था यार। क्या मतलब? इसीलिए कुत्ता है। कुत्ता किसको बोला? कुत्ता किसको बोला? ये क्या है? कुत्ता वो भी वही है। चल 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 निकल। लवली ब्रेसलेट है? ए रोमी रोमी ये पहना उसको। नहीं नहीं ये बहुत फंटास्टिक है। ए रोमी 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 क्या है यार? ये उसको अच्छा नहीं लगेगा। आई मीन ये उसको सूट नहीं करेगा। ये उसको सूट करेगा। ये खराब लगेगा। खराब यानी कि सूट नहीं करेगा। क्या है क्या भी? तुझे यहाँ कर जुमा जुमा 8 दिन हुए और तू मेरे ऊपर बॉसिंग कर रहा है? सर से लेके पैर तक अपने डिजाइन ढूंढता चला जा रहा है। मैं यहाँ कौन से कलर का स्कार्फ लगा रहा था? ब्लू। ये पिंक तूने लगवाया ना? हाँ। मैं फ्रॉक कौन से कलर का पहनवा रहा था? पिंक। तूने क्या पहनवा दिया मुझसे? ब्लू। ये पट्टा किसके डिजाइन का है? मेरे। तो मैं क्या के लिए खड़ा हूं यहां पर? मैं एक तो लगाऊंगा अपनी मर्जी की। अरे रोमी 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 ये कलर उसको बहुत सूट करेगा। देखो कृष्णा एक बात याद रख, मैं अकेले काम करता हूं, ना किसी के काम में इंटरफेयर करता हूं, ना किसी को अपने काम में इंटरफेयर करने देता हूं, क्योंकि मैं डबल शिफ्ट नहीं करता। और अगर तुझे करना है ना तो अकेले कर, क्योंकि तू जो है ना बहुत सही कर रहा है। ए रोमियो थैंक्स सर। किस बात? अच्छा सा जाना नहीं तो बहुत मारूंगा। अब मैं तुम्हें अपने मन से सजाऊंगा। पीला वाला पहनाऊं या नीला वाला पहनाऊं? नीला। हाँ हाँ नीला वाला। अरे रोमियो 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 रोमियो
क्या पूछा कि तुम कौन से कलर की इयरिंग पहनोगी, नीली वाली पहनोगी कि पीली वाली? वो खुद बोली कि नीली वाली पहनूंगी। रोमियो बिली भी वो बोली, वो बोलती है रोमियो, वो बोलती है। तुझको भी नीली वाली पसंद है ना? हाँ, मुझे तो नीली वाली पसंद है। तो हुआ होगा, मेरे साथ भी ऐसी होता था जब मैं तेरी उम्र का था। मेरे साथ भी पुतले बोला करते थे, आंखों आंखों में इशारे हो जाते थे, ऐसे लगता था पुतले में जान आ गई हो। हम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते थे, मैं जैसे छूने जाता था वो फिर पुतला बन जाती थी। नहीं रोमियो, वो पुतला नहीं है। ये गॉनिश कर रहा है होशियार सिंह, वो पुतला बात करता है, उसने मुझसे बात की। ये कैसे हो सकता है? वो मैनेक्विन है, मट्टी का पुतला है, शोकेस में रखने वाला एक शो पीस है। वो शो पीस इसके साथ कैसे बात कर सकता है? गिव मी अ रिप्लाई। अच्छा मैं बताता हूँ, तू बोलता है तेरा ये कुत्ता बोलता है, जब दो कुत्ते आपस में बात कर सकते हैं तो एक पुतला एक इंसान से बात कैसे नहीं कर सकता यार? इसको टाइम लगेगा, ये नहीं समझने वाला। हम दो कुत्ते आपस में बात कर सकते हैं। नहीं वो अंदर खुजली हुई, लेकिन वो मैनिकन मट्टी का पुतला इस इंसान के साथ कैसे बात कर सकता है कि मेरे रिप्लाई? एक मिनट, इंसान के सीना होता है, होता है सीने में दिल होता है, होता है दिल में धड़कन होती है, होती है धड़कन के अंदर मोहब्बत की आवाज होती है कि नहीं? मेरे भी तो सीने में दिल है। दिल इधर होता है, इसको दिल का बैटर्स मालूम नहीं है। मेरे दिल से आवाज क्यों नहीं निकलती? वो भी मैं बताता हूँ, तेरा सीना है, सीने में दिल है, मगर दिल में जो धड़कन है ना उसकी आवाज कुत्ते के मुंह से भोंगना बन के निकल जाती है। कितना बेवकूफ इंसान है यार। ये हमेशा दिया बना के चला जाता है। I'm sorry. दरअसल मैं घबरा गया था, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई सपना देख रहा हूं। मैंने तुम्हें अपने हाथों से मूर्ति कैसे बात कर सकती है साहब? क्यों नहीं बात कर सकती है साहब? तुम्ही ने तो मुझे जिंदगी दी है। कौन हो तुम? कृष्णा की करिश्मा। तुम कृष्णा और मैं तुम्हारा बनाया हुआ करिश्मा। अरे मगर ये सब कैसे हो सकता है? हो सकता है कृष्णा। तबे ठीक है ना? हाँ क्यों? तेरे जैसे दो चार साथी और मिल जाए तो मैं भी मैनिक्विन बन के किसी कोने में खड़ा हो जाऊंगा, पता नहीं तन पे कपड़े होंगे कि नहीं होंगे। क्यों ऐसी क्या बात है? मैं वहां तुझसे बातें कर रहा था ना, तू चुपके से निकल के चला है। अब कोई देखता तो क्या समझता पागल हो गया? तेरा कोई जोग्राफी मेरी समझ में नहीं आता, तो कभी इससे भाग जाता है, कभी भाग इसकी तरफ जाता है। तूने जिंदगी को किया भागा दौड़ी का मैदान समझा हुआ है? नहीं नहीं नहीं, अगर तेरी इससे इतनी चाहत है तो ऐसे ये मैं तेरे हवाले करता हूँ, मैं बीच में नहीं आऊंगा। तू फिर चाहे इससे बात कर, चाहे प्यार कर, चाहे डिजाइन कर, जो मन में है वो कर, मगर इसका जिक्र मेरे पास मत कर। ये फिर आ गया रोमियो, भगवान के लिए इस आदमी का कुछ कर। इसका क्या कर, ये तो खुद कर कर है। जो इसका करेगा वो अपनी करनी भूल जाएगा, मगर आज करता हूँ। थैंक यू। एक काम कर, जिंदगी में सब कुछ कर मगर मुझे थैंक यू मत कर। क्या मत कर? थैंक यू यानी कि मत कर। क्या बात है, अभी तक सोया नहीं? माँ मूर्तियां बोलती है क्या? पागल हो गया?
मिट्टी की मूर्तियां कभी बोलती हैं? अरे बोलती है माँ, सुनने के लिए कान चाहिए। कैसी बहकी बहकी बातें करने लगा तू? अच्छा अगर ऐसा नहीं होता माँ, तो लोग मंदिरों में जाकर भगवान की मूर्तियों के सामने मन्नतें क्यों मांगते? ये क्यों कहते कि भगवान सबकी सुनता है? वो तो विश्वास की बात होती है। मुझे भी विश्वास था। क्या मतलब? अब और बढ़ गया है। जय श्री शंभु बा। समाना
करिश्मा तू तेरा मेरा ये तराना जब तलक रहे धरती आसमां गाएगा ये जमाना जब तलक रहे धरती आसमां गाएगा ये जमाना जिस विश्वास की बात करती है वो विश्वास तो मेरे रोम रोम में है, मेरी हर सांस में। तू तो जानता है कि मैं मन कर्म वचन से तेरा उपासक हूं, मेरी तुझ में पूरी श्रद्धा है। तू जब इस मूर्ति में छुपा लोगों से बात करता है, उनकी पुकार सुनता है, उन्हें वरदान देता है, तो फिर वो मूर्ति, वो करिश्मा, वो भी जो कुछ कहती होगी वो सच ही होगा। ये सब तो तेरी लीला है। जय शिव शंभू। बातचीत भी चल रही है। आप यूं समझिए कि आपकी स्टोर का सौदा हो गया। सौदा? ऐ मेरे स्टोर का सौदा? ये किसने बताया कि मैं ये स्टोर बेच रहा हूँ? गेल पोटिया सर,
जिस तरह से ये स्टोर चल रहा है ना, उसको बेचने में आपको ज्यादा फायदा है। अरे ये स्टोर तेरे बाप का नहीं है, ये मेरा स्टोर है। देख 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 आज कितने कस्टमर स्टोर के अंदर आ रहे हैं। तू देख जैसे कि कस्टमर की बारिश लगी हुई है और तू मेरा ये स्टोर बेच रहा है, है? सर एक दिन का बूंदाबांदी से तालाब नहीं बढ़ता, ये तो समझे अचानक आज का ऐसे। अरे अचानक ही तकदीर बदलता है जी, समझा क्या? रोमियो रोमियो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया रोमियो 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 हेलो हेलो रोमियो 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 यू आर मी यू डोंट नो दैट। अरे मेरी पकड़ी है, अरे बजर टूट गया, तकदीर बदल दिया है। तुमने जो विंडो ड्रेसिंग किया है ना आज, नया आइडिया लगा के, उससे पब्लिक बहुत अंदर आ रही है, उससे अपना सेल बढ़ जाएगा, उससे अपनी तकदीर बदल जाएगी। यू आर ग्रेट माय गेल पोटिया, यू आर ग्रेट। अभी मैं कुछ बोलूं? बोल बोल रोमियो। ए आज तू बोलेगा और मैं सुनेगा। रोमियो ने है ना कभी झूठ बोला नहीं और सच बोलते किसी को सुना नहीं। अच्छा ये बिल्कुल नया अभी निकला है। ओ, तो आज जो तालियां बज रही थी ना, उन तालियों का असली अदार मैं नहीं था, तो कोई और था, वो ये नहीं। मैं जो आज तक विंडो सजाता था तो अपनी दुकान में एक मक्खी नहीं आती थी, आज इसने सजा तो अपनी दुकान में पब्लिक मक्खियों की तरह आने लगी। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा था ना सेठ जी, मैंने कभी किसी को सच बोलते सुना नहीं, ये भी झूठ बोल रहा है, सब इसने किया है। कृष्णा तूने किया सेठ जी, मेरे बीच में से हटाओ ना। कृष्णा यू आर ग्रेट, यू आर लॉर्ड कृष्णा फॉर मी। तू मेरे लिए सचमुच लॉर्ड कृष्णा है। देख कृष्णा, आज अगर मेरी भी शादी हो गई होती ना, तो मेरे को भी एक तेरे जैसा बेटा होता, समझा? बस करो ना सेठ जी, काय को रुलाते हो, एक बात बोलूं, तुम अभी शादी करो, तुमको बच्चा हो जाएगा। नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आज से तेरा पगार डबल कर दिया गया, हर महीने तेरी तनख्वाह डबल कर दी गई। रोमियो इसको डबल पगार मिलना चाहिए। सुन, कल तूने जैसा विंडो का डिजाइनिंग किया ना, वैसा ही कल करना, परसों नया आइडिया लगाना, तरसों नया आइडिया लगाना, हर रोज नया आइडिया पे नया आइडिया लगाते रहना, और अपनी दुकान का सेल एकदम बढ़ जाएगा, पूरे शहर में अपना दुकान A1 हो जाएगा। कल क्या, कल जब मैं आएगा ना, तो मेरे को एक नया आइडिया मांगता है विंडो डिजाइनिंग में। रोमियो तुमने सुना कि नहीं, मेरे को मेरा सेल, मेरा तकदीर बदलना मांगता है। रोमियो बस गेल पहुंच गया, तुम्हारा न्यू आ गया। क्या करूं? क्या सोच रहे हैं यार? मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आज हो गया ना? हाँ। तो कल भी हो जाएगा, फिक्र क्या वो करता है, हाथ अड़ा सर मेरा है वो। ओह शिट, हिट। सुबह से तुमसे कुछ चुपचाप पूछना चाहता हूं, अब जाके मौका लगा है। देखो देखो, तुम संसार सवर के खुद तैयार हो जाती हो, और लोग समझते हैं कि मैं तुम्हें तैयार करता हूं। अब सेठ जी चाहते हैं कि मैं तुम्हें रोज तैयार किया करूं, मैं तुम्हें कैसे तैयार कर सकता हूं? तुम्हें बताओ ना मैं क्या करूं। अरे जल्दी बताओ मैं क्या करूं, स्टोर बंद हो रहा है। चलो चलो, गुड नाइट टाइम, गुड नाइट टाइम। होशियार सिंह ने स्टोर की लाइट बंद करना शुरू कर दिया। लो ये लाइट भी ऑफ हो गई। अच्छा हुआ। हाँ? अब मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। मैं अच्छी लग रही हूँ ना? बहुत अच्छी लग रही हूँ, मगर मैं तुम्हें रोज रोज कैसे तैयार कर सकता हूँ? चिंता मत करो, मैं रोज अपने आप तैयार हो जाऊँ, और तुम मुझे रोज बाहर ले जाया करना। ठीक है, बाहर यहाँ से? हाँ। मुझे यहाँ बहुत घुटन हो रही है। लेकिन तुम यहाँ से बाहर जा सकती हो? सिर्फ तुम्हारे साथ, कहीं भी जा सकती हूँ, ले चलो ना मुझे। अक्सर ख्वाब में डिंग डिडिंग 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 डिडिंग, तुमको देखा है अक्सर ख्वाब में, वो तुम ही हो।
तुम ही हो, वो तुम ही हो, वो तुम ही हो, आज पाया है तुमको सामने। वो तुम ही हो, वो तुम ही हो, वो तुम ही हो, वो तुम ही हो। ला 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 ला, मुझे जन्मों से था जिसको इंतजार। Celebration. Kamaldeep,
भेल पोटिए की दुकान के आगे इतनी भीड़, इसकी दुकान तो चल निकली है। मामा जी मामा जी मामा जी मामा जी बस आपकी दुआ है मामा जी। पता है आपका ये नाकारा कवारा आवारा बेसहारा भांजा जो किस्मत का मारा मारा फिरता था वही आज किस्मत का धनी बन चुका है। क्यों नहीं क्यों नहीं, तुम्हारे स्टोर में ग्राहकों की ये भीड़ बता रही है कि तुम एक कामयाब बिजनेसमैन के कामयाब बेटे हो। लेकिन बेटे तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें रोमियो जैसा कलाकार मिल गया। नहीं मामा जी, ये सब रोमियो की बदौलत नहीं है, ये सब कृष्णा की बदौलत है। कृष्णा? कौन कृष्णा? जो लॉर्ड कृष्णा बनकर मुझे फिर से आबाद और दुश्मनों को बर्बाद करने के लिए आया है। मामा जी, आप टूर के अंदर नहीं आओगे? नहीं बेटे, हम तो अपने प्यारे प्यारे भांजे से मिलने आए थे, मिल लिए। अच्छा अच्छा बेटे, मैं चलता हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मामा जी, थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट मामा जी। नाउ यू कांट रेस्ट बिकॉज आई विल गिव यू पेन इन द चेस्ट। ये साला पेन इन द चेस्ट भी कहां से आ गया? इस साले खेल पोटिए की तो माफी चाहो, इसके ऐसा ठंडा करूंगा कि सारी जिंदगी चिल्लाता रहेगा। खेल पोटिया की दुकान का कोहिनूर कृष्णा, उसे मैंने यहाँ बुलाया है, अभी आता ही होगा। उसे बात करके आप उसे सीधा अंदर ही कर लीजिए। सेठ जी वो आ गए। अरे आओ कृष्णा आओ, बैठो बैठो बैठो। नहीं मैं जरा जल्दी में हूँ, वो अंकल कह रहे थे कि आप मुझसे कुछ खास बात। दरअसल मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। तुम जिस स्टोर में काम करते हो ना, वो मेरे भांजे का है। हाँ बड़ी तारीफ करते हैं वो आपकी। अरे वो कुछ भी करे लेकिन वो तुम जैसे कलाकार की कदर नहीं कर सकता। क्यों? करना चाहे भी ना तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने बाप की तरह बिल्कुल कंजूस है। कंजूस? मगर उन्होंने तो मेरी तनख्वाह डबल कर दी है। तो कौन सा तीर मारा? तुम्हारी तनख्वाह तो चौगनी होनी चाहिए। अगर तुम मेरे साथ काम करो तो मैं तुम्हें 10,000 रुपया महीना तनखा दूं। थैंक यू सेठ जी। कब आ रहे हो काम पर? नहीं वो काम तो मैं वही करूंगा। 12,000? नहीं सेठ जी, मेरे मालिक बहुत अच्छे इंसान है। 15,000? थैंक यू सेठ जी। नॉट डन, काम तो मैं वही करूंगा। सोच लो, सारे शहर में तुम्हें इतनी तनख्वाह देने वाला कोई नहीं होगा। सेठ जी, सारे शहर में इतनी तनख्वाह देने वाला मिल भी जाए मगर मेरे सेठ जी जैसा इंसान सारे शहर में तो क्या, सारी दुनिया में नहीं मिलेगा। और मेरा दिल उनकी दुकान में अटका हुआ है। थैंक यू सेठ जी, आपको भी थैंक यू अंकल। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू अंकल। कमल जी। जी सेठ जी। ये साला घेलपोटिया इसके दिल में कुछ ज्यादा ही घुस गया है। अजी हम भी कुछ कम नहीं घुसे हुए। तुम कब घुस गए? ये कृष्णा ना, कृष्णा कृष्णा और उसकी माँ दोनों मेरे आसानों से दबे हुए। अच्छा, मैं अपनी बेटी के जरिए कृष्णा को साथ मिला लूंगा, फिर आप जो जी है करवा लीजिए। वाह, तुम तो वाकई पूरे घुसे हुए हो। देखिए बहन जी, ये मत सोचिए कि मैं 20,000 रुपए की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बेटी को खुशी की बात कर रहा हूँ। दरअसल कृष्णा उसे बहुत पसंद है। कृष्णा को भी वो बहुत पसंद है, और कितने सालों से दोनों का साथ है। यही तो मैं कह रहा हूँ, बाकी आप खर्चे की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, आपकी तरफ से पूरा इंतजाम मैं करूंगा। लेकिन लेकिन क्या? देखिए बहन जी, कृष्णा अब काम पे लग गया, धीरे धीरे तरक्की भी करेगा, और जब इंसान पैसे कमाना शुरू करता है तो बड़े बड़े सपने देखता है। हो सकता है कृष्णा का दिमाग भी आसमान पे चढ़ गया हो, उसका बुरा भला सोचना आपका काम। ये तो मैं हूं जो छोटा बड़ा घर देख नहीं रहा। मेरा कहने का मतलब ये है कि इंसान को अपने बुरे दिन भूलने नहीं चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप। तो इसका मतलब मैं आपकी तरफ से हाँ समझूं? हाँ तो ठीक है, शादी की तारीख पक्की करके मैं आपको इत्तला करता हूँ। नमस्ते। नमस्ते कृष्णा। पिंकी के डैडी आए थे। अच्छा, मैंने पिंकी के साथ तेरी शादी पक्की कर दी। अरे नहीं माँ, ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अरे नहीं माँ, वो मैं... क्या बुराई है उसमें? अरे नहीं कोई बुराई नहीं है माँ। तो? मैं पिंकी से प्यार ही नहीं करता हूँ। पिंकी के डैडी ठीक ही कह रहे थे, तेरा दिमाग चढ़ गया है। अरे नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है माँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। किससे? माँ
बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुशील है। उसके माँ बाप कौन है? अरे उसके माँ बाप तो है ही नहीं। नहीं है तो वो कहाँ रहती है? स्टोर में। स्टोर में? हाँ माँ, ये वही लड़की है जिसकी मूर्ति मैंने अपने हाथों से बनाई थी। मूर्ति? हाँ माँ। तू मूर्ति से शादी करेगा? माँ वो कोई ऐसी वैसी मूर्ति नहीं है, वो मुझसे बात करती है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं माँ, और एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। पागल हो गया तू, बिल्कुल पागल हो गया। माँ, हे भगवान। माँ 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 तू डर मत, तू डर मत माँ, तू सोच भी मत माँ। देख तू अपनी आंखों से देख, अपने कानों से सुन, उसके बाद फैसला कर। ये है वो लड़की माँ, ये है वो लड़की। देखा ना, सच कह रहा था ना, मैंने कहा था ना कितनी सुंदर है कि देखोगी तो दंग सी रह जाओगी, जबान खुलेगी ही नहीं। शर्माई, देखो शर्माने वर्माने की कोई बात नहीं है, माँ शादी की बात पक्की करने के लिए आई है, बात क्यों नहीं करती हो? चलो अभी नखरे वखरे छोड़ो, नमस्ते करो और पहुंचो मेरे माँ के। कृष्णा तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? सुना तुमने, माँ सोच रही है कि मैं पागल हो गया हूँ। मैं सोच नहीं रही हूँ, सचमुच तू पागल हो गया है, लगता है किसी ने जादू टोना किया है। अरे नहीं माँ, कैसा जादू टोना, रोज तो बात करती है मुझसे, पता नहीं आज बात क्यों नहीं कर रही है। देखो देखो तुम्हारी खामोशी खल रही है मुझे, देखो तुमने मुझसे अगर बात नहीं की ना तो मैं जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करूंगा, भूल जाऊंगा कि मैंने कभी तुम्हें अपनाया भी था। तुझे मेरे सर की कसम कृष्णा, तू चल यहां से अभी इसी वक्त घर चल। माई देखो मैं मां को मना लूंगा, बात करूं मुझसे करिश्मा। कृष्णा करिश्मा बात करूं मुझसे, बात करूं मुझसे करिश्मा। कृष्णा ठीक है ठीक है, आज के बाद तुम मेरे लिए नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं। चलो चलो चल तू। बोलना उसकी मजबूरी थी और सुनना तुम्हारी। ये कैसी मजबूरी है बाबा, कृष्णा की मां के सामने बोलना चाहती थी लेकिन बोल न सकी, रोना चाहती थी लेकिन रो न सकी, अपने प्यार को हाँ भी नहीं कर सकी। बाबा मैं क्या करूं? बेटी यही तो श्राप है, यही श्राप है कि कृष्णा के अलावा और सबके सामने तुम्हें मूर्ति बनकर रहना होगा। लेकिन कब तक बाबा, कब तक ये सब रहना होगा, कब तक? धीरज रखो बेटी, धीरज रखो, तुम दोनों के प्यार की डोर तो स्वयं भगवान ने बांधी, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। कृष्णा चाहे जो भी कहे परंतु उसके हृदय में तो केवल तुम हो बेटी। हां अब जिस दूरी का अभिशाप तुम दोनों का दुर्भाग्य बन चुका है, उस दूरी की तड़प तो सहनी ही पड़ेगी ना, तुम्हें भी और कृष्णा को भी। Thank you.
नहीं चाहता? अरे गेल पोटिया, मैं तेरा अर्जुन हूं, तू मेरा सारथी। अगर तू मेरा रथ आगे नहीं चलाएगा तो मेरी गाड़ी कैसे आगे निकलेगी? मुझे रास्ते पर आना पड़ेगा, चादर लगा के फुटपाथ पे सोना पड़ेगा गेल पोटिया। नहीं सेठ जी, ये आपके स्टोर में काम नहीं करेगा। मुझे तो लगता है वहां जरूर कोई भूत प्रेत है। भूत प्रेत? हाँ। मेरे स्टोर में? माँ जी, आपने मुझे देखा होगा, क्या है रात के अंधेरे में कभी कभी मैं भूत जैसा लगता हूँ, मैं भी डर जाता हूँ। हाँ, जो भी हो, हमने फैसला कर दिया है, ये आपके स्टोर में काम नहीं करेगा। नहीं माँ जी, नहीं। देख गेल पोटिया, मैं खुद तुझे लेने आया हूँ, अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगा ना तो अपनी दोस्ती टूट जाएगी। हाँ, मैं नाराज हो जाऊंगा, फिर मैं गुस्से में आ जाऊंगा और फिर मैं इस घर से चला जाऊंगा, और एक बार चला गया तो चला गया बस। इसलिए मैं तुझे बोलता हूँ गेल पोटिया कि अगर तू मुझे रोक सकता है तो रोक ले, अपनी दोस्ती वैसी की वैसी रहेगी। गेल पोटिया, मुझे रोक ले। चला गया गेल पोटिया, फिर आना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग मिस्टर केवलचंद। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। नमस्ते चाची। नमस्ते चाची। क्या कृष्णा ने केवलचंद सेठ की नौकरी करने से इनकार कर दिया? हाँ, मना तो कर दिया। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात हुई। चाची, अब तो मैं उसे आराम से अपने स्टोर में नौकरी दिलवा सकती हूँ। आपको पता है मेरा बॉस उसे डबल तनख्वाह देने को तैयार है। वो तो ठीक है पिंकी, लेकिन जब वो माने तब ना। चाची, आप उसको आराम से पटा सकती है, मेरी तो वो सुनता ही नहीं है। आज से सुनूंगा, सुनूंगा भी और मानूंगा भी। आओ अभी चले। अरे बेटा, मत बोलिए, इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। आउट ऑफ डेंजर, थैंक गॉड। पाजी, ये बच्चे का दुख सिर्फ आप ही को नहीं है, मुझको भी है। ये आपका तो बेटा है, लेकिन मेरा तो बाप है बाप। आप जानती हो किसने मुझे दोबारा जन्म दिया? डॉक्टर साहब, आप खर्चे पानी का बिल्कुल फिक्र मत करना, पैसे मैं दे दूंगा। जितने इंजेक्शन लगे, जितनी दवाइयां लगे, आप उसको देना, मैं आपकी फीस डबल दूंगा। डबल? वैसे आप शक्ल से लगते नहीं हो कि आप मेरे से डबल फीस लोगे।
मरीज को आराम की सख्त जरूरत है, अब आप लोग प्लीज जाइए। ओ, सख्त आराम की जरूरत है। चलिए माजी, चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। एक मिनट, तुम नहीं, तुम अपोजिशन पार्टी वाली हो। वो हमारे पड़ोस में रहती है, उसे अकेला छोड़कर मैं नहीं चल सकती। इसको भी लेके जाना पड़ेगा? हाँ। चलो। ऐ गेल पोटिया, जल्दी ठीक हो जाना तू। कृष्णा को? कुछ नहीं बेटी, तुम्हारी यादों को भूलने की कोशिश कर रहा है, जानता है कि सफल नहीं हो पाएगा, फिर भी लो संभालो इसे। कृष्णा, कृष्णा, मैं हूं कृष्णा, देखो मुझे, मैं तुम्हारे सामने हूं, तुम्हारे पास हूं। कृष्णा, छू मुझे कृष्णा। करिश्मा, करिश्मा, माफ कर दो मुझे करिश्मा, गलत कहा था मैंने तुमसे कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, दूर चला जाऊंगा तुमसे। तुमसे दूर रहना तो दूर की बात है, तुमसे बिछड़कर एक पल भी नहीं जी सकता मैं। Yeah.
वशीकरण दवाई, ये दवाई कृष्णा को पिलाकर मैं उसको अपने बस में कर लूंगी। धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, कृष्ण भगवान। माँ दूध। अरे माँ कहाँ है? माँ मंदिर गई है, इसलिए मुझे दूध देने के लिए बोला है। लो। तुम भी कमाल की लड़की हो, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। पुनी को कौन टाल सकता है? लगता है मेरी किस्मत में नहीं लिखा हम दोनों का मिलना है। लेकिन इसमें हम दोनों की दोस्ती को क्या फर्क पड़ता है? दूध पी। क्या हुआ? कुछ पड़ा हुआ था इसमें। पड़ा हुआ? कवर निकल दे। पास आ रही है ना इसमें? पास नहीं तो खुशबू है। मैंने तो खुशबू डाली है इसमें, बादाम पिसकर डाले हैं तुम्हारे लिए। ओह, बादाम वाला दूध है। हाँ। जय श्री। ये दिया कैसे बुझ गया? लगता है तुम्हारी किस्मत में मेरी सेवा लिखी ही नहीं। शक्ति से उस बालक को बचाया, परंतु कब तक यह याद रहे कि तुम्हारी शक्ति मेरी भीड़ की शक्ति के सामने कुछ नहीं। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, क्योंकि वह पूर्णमासी की रात जिसकी मुझे वर्षों से प्रतीक्षा थी निकट आ रही है।
में से यहाँ क्यों ले आए? क्या करेंगे सर, वो सेठ जी ने इसको नौकरी से निकाल दिया, साथ में मेरे को भी निकाल दिया। अभी आपको हमारा ख्याल रखना पड़ेगा। मैं तुम दोनों का क्या करूंगा, अचार डालूंगा? मुझे कृष्णा चाहिए। सर मेरे को आइडिया आया है। सर मेरे को भी क्या आइडिया आया है? नहीं सर, मेरे को पहला आइडिया आया सर। पहले मेरे को आया है? मेरे को पहला आया। अरे पहले मेरे को आया है? You shut up. सर सर, हमने अपने आंखों से देखा है, वो कृष्णा उस बुत के पीछे एकदम पागल है। इसने तो सिर्फ देखा है, मैंने सुना भी है, वो बुत से इश्क करता है। What nonsense? सर इश्क में सब नॉनसेंस ही नॉनसेंस होता है। सर मैं आपको आइडिया देता हूँ, तुम भी जो मत बोलना, आप उस बुत को खरीद क्यों नहीं लेते? इम्पॉसिबल, वो कृष्णा उस बुत को अपने से दूर होने को देंगे ही नहीं। अगर वो अपने आप से बुत को अलग नहीं होने देगा तो हम बुत को से अलग कर देंगे, लेकिन मुझे किसी भी हालत में वो बुत चाहिए, भले उसके लिए तुम्हें चोरी करना पड़े। जब हमें यह पता चला कि तुमने 15,000 रुपए की नौकरी ठुकरा दी है तो हमें हैरानी हुई, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी हमें यह जानकर हुई कि तुम पुतले से इश्क करते हो और तुम उसके बगैर रह नहीं सकते, तो हमने तुम्हें भी बुला लिया है और पुतले को भी। वो देखो होशियार सिंह तुम्हारी माशूका को बगल में दबाए किस तरह चला रहा है। होशियार सिंह! सुनते थे कि इश्क दीवाना होता है, आज देख भी लिया। न जाने इस बेजान से पुतले में ऐसा कौन सा जादू है, किसके लिए ये इतना तड़प रहा है? कुछ ना कुछ तो है, जरा हम भी तो देखें। अरे भाई कृष्णा, इस बेजान पुतले के लिए तुम हमें गालियां दे रहे हो? देखो ये बात अच्छी नहीं है भाई, जिस पुतले के लिए तुम हमें गालियां दे रहे हो अब तो वो पुतला ही नहीं रहेगा। यानी हथौड़ा लाओ, हम इस पुतले के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इस पुतले को मेरे गोदाम में ले जाओ। नहीं, तुम्हें वशीभूत कर लिया है, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी इस देह में हमने असीम शक्ति का निर्माण कर दिया है। आज से तुम अजय हो वत्स, अजय हो। जाओ इस पुतले को
हमारे सिंहगढ़ पहाड़ वाले मठ में ले जाओ, जाओ। Thank you.
दो इसे। मैं जानता हूं कि तुम किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष अपने असली रूप में नहीं आ सकती, इसलिए मैं इस तुच्छ प्राणी को नेत्रहीन कर देता हूं। बनाई हुई पत्थर की मूर्ति, तूने मेरी आज्ञा लिए बिना सांस लेने का साहस कैसे किया? ये तूने कैसे सोच लिया कि इस तपस्वी साधु की आज्ञा के विरुद्ध तेरा और तेरे प्रेमी का मिलन हो जाएगा? असंभव। मगर ये कैसा मिलन है? हम दोनों कितने पास हैं, मगर फिर भी कितने दूर हैं। आपका श्राप हम दोनों के बीच में दीवार बना हुआ है। मिलन के लिए जन्म भर से तड़प रहे हैं हम। न जी सकते हैं न मर सकते हैं। अब ये दूरी नहीं सही जाती, नहीं सही जाती ये तड़प। सहन करनी पड़ेगी तुम्हें ये तड़प। तुम लोगों की वजह से मेरा महायज्ञ असफल हो गया। तुम लोगों ने मेरी अमरता को 25 वर्ष आगे ढकेल दिया। 25 वर्ष! तुम्हें उसका दंड तो भुगतना ही पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा तुम्हें। और उसी तड़प से खींचा हुआ चला आएगा वो नागराज जो मेरे पीण के घेरे से निकल गया था। उसे तुम्हारी रक्षा करने का वचन निभाने यहां आना ही पड़ेगा। और जब वो यहां आएगा तो मैं उसकी मणि छीन लूंगा और फिर चंद्रदेव प्रकट होंगे। चंद्रदेव का प्रकाश उस मणि से छनकर इस कुंड में पड़े जल तक पहुंचेगा और तब ये जल जल नहीं रहेगा, ये जल अमृत बन जाएगा। अमृत! और मैं ये अमृत पीकर अजय हो जाऊंगा, मृत्युंजय हो जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा। आप बेशक अमर हो जाइए, लेकिन हमें छोड़ दीजिए। हम दो बेकसूर प्रेमियों से आपकी क्या दुश्मनी है? दुश्मनी है, प्रतिशोध है, क्योंकि उस नागराज को यहां लाने के लिए केवल तुम ही एकमात्र साधन हो। इसलिए तुम्हें मेरे प्रतिशोध की अग्नि में जलना पड़ेगा। आजा नागराज, आजा। मैं तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुझ में इतनी शक्ति आई कहां से। मैंने भी बहुत वर्ष तप किया है और उसी तपस्या से तेरे श्राप के कारण बनी हुई इस पत्थर की मूर्ति को मैंने शरीर रूप दिया है। अब मेरे होते हुए तुम्हारा कोई श्राप इस लड़की पर काम नहीं करेगा। मूर्ख! मेरी शक्ति का अनुमान होते हुए भी वो मेरी शक्ति को ललकार रहा है तो ये ले। चलो। Thank you.
जागृत करने वाला एक साधारण सा भक्त, मैं जानता था कि तुम अवश्य आओगे। आ गया अपने कर्मों का दंड भुगतने। बहुत अहंकार था ना तुझे अपने इस प्यार पर? अहंकार नहीं, गर्व है, फक्र है हमें अपने सच्चे प्यार पर। अहंकार तो तुझे है, जो अपनी खुदगर्जी के लिए भगवान की बनाई हुई इस दुनिया पर मनचाही हुकूमत करना चाहता है तू। अहंकार तो तुझे है, जो नागमणि हासिल करके अमर बन जाना चाहता है तू। अहंकार तो तुझे है, जो दानवी शक्ति हासिल करके देवता बनने के सपने देख रहा है तू। मगर तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। जिस आग की पूजा तू अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कर रहा है, वही आग जलाकर राख कर देगी तुझे। वो मुझे मेरी ही अग्नि में भस्म कर देना चाहता है। जा। तुझे पत्थरों से खेलने का बहुत चाव है ना लड़की, तो जा बन जा पत्थर। शैतान! आज मेरे और मेरी अमरता के बीच कोई नहीं आ सकता, और यदि किसी ने आने का साहस किया मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा। नाशाश तेरा होगा पाखंडी। सर्वशक्तिमान देवाधिदेव प्रलयकारी महादेव तेरा नाश करेंगे। इस महाबली का नाश पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। यह स्थान मेरा है, और यहाँ पर जो भी होगा मेरी इच्छा के अनुसार होगा। कहाँ है तेरा भगवान? भगवान सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वश्रेष्ठ है। मगर तेरी दानवी शक्ति ने तुझे घमंडी और तेरे स्वार्थ ने तुझे अंधा बना दिया है, इसलिए तू शिव शक्ति से इनकार कर रहा है। मगर आज देख ले कि प्रेम में शक्ति है या झूठी तपस्या में, पुण्य में शक्ति है या पाप में, भगवान में शक्ति है या शैतान में। देख, शिव का ये साधारण भक्त आज भगवान का आह्वान कैसे करता है, कैसे जागृत करता है पत्थर में भगवान। Come on.
हम सब मिलकर महादेव को प्रणाम करते हैं। कृष्णा की है करिश्मा तू, तेरा मेरा ये तराना। कृष्णा की है करिश्मा तू, तेरा मेरा ये तराना। जब तलक रहे धरती आसमां, गाएगा ये जमाना। जब तलक रहे धरती आसमां, गाएगा ये जमाना।